फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं किंजल और मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ गुड वाइब्स का जो एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क जो आता है उसका रिव्यू करने वाली हूं, डेमो देने वाली हूं। मैं लाइफ में पहली बार एक्टिवेटेड चारकोल जो आता है वो यूज करने वाली हूँ। ये मैंने पर्पल से बाय किया है। गुड वाइब्स की जो प्रोडक्ट होती है बहुत अच्छी होती है, अफोर्डेबल होती है, साथ में ही हर्बल होती है, कोई केमिकल्स नहीं होते हैं, तो मुझे ज्यादा पसंद है। और आप लोग भी अफोर्डेबल ही चाहते हो। मैं जब हॉल्स करती हूँ तब भी आप बोलते हो कि अफोर्डेबल कुर्तीस का कीजिए, ताकि आप सबको ध्यान में रखते हुए और बजट सबके ध्यान में रखते हुए हर कोई इसको बाय कर सके, इसीलिए मैंने गुड वाइब्स का बाय किया है। मुझे पर्सनली पसंद है ये वाली ब्रांड जो है वो, तो आज मैं उसका डेमो भी देने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल आइकन होता है वो दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। रोज का मेरा एक वीडियो होता ही है। ये जो है इसकी बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, अगर आप बाय करने में इंटरेस्टेड है तो जाके बाय कर सकते हो। ये पर्पल पे अवेलेबल है और कहीं पे नहीं मिलेगा आपको देखने को। और मेरे चैनल पे गिव अवे भी चल रहा है, अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसमें भी कर सकते हो। उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और चलो अब हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैकेजिंग की बात करते हैं गाइस, तो ये जो है पूरा कांच का कंटेनर है, आप जैसे देख रहे हो, तो इसको थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि बच्चों से दूर रखिए, बच्चों के हाथ में आ गया तो हाथ में से गिर जाएगा तो टूट जाएगा। ऊपर का जो ढक्कन है वो प्लास्टिक का है, गोल्डन कलर का है, बहुत क्लासी लुक देता है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लींजिंग फेस मास्क। इसमें नो, यहाँ पे देखिए, नो पैराबिन्स, नो सल्फेट, सारा लिखा हुआ है, नो मिनरल ऑयल्स, मतलब कि 100% नेचुरल है। आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। जो लोग पैराबिन वाला प्रोडक्ट या सल्फेट वाली प्रोडक्ट यूज नहीं करते उनके लिए बेस्ट है। पीछे पूरा लिखा हुआ है कि एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, उसको कैसे, देखो यहाँ पे हाउ टू यूज, बी केयरफुल ऑफ, सब कुछ लिखा है, तो वो भी आपको रीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाले हैं वो भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ लिखा है यूज बिफोर, यानी कि आपको 19/4/2021 तक, उसके पहले तक आप यूज कर सकते हो, यानी कि करीबन 1 साल तक की आपको मिलती है सेल्फ लाइफ जो आपको मिलती है, तो आप 1 साल तक इसको यूज कर सकते हो। इसकी एमआरपी देखोगे तो 225 रूपीज है, लेकिन डिस्काउंट में आपको अंडर 200 190 180 तक तो मिल जाता है, क्योंकि पर्पल पे बहुत सारा डिस्काउंट चलता होता है तो इजिली मिल जाएगा। ऊपर से इस तरह का है, प्लास्टिक का था जो मैंने निकाल दिया है गाइस, और अभी आपको दिखाती हूँ। तो ऐसी कैप मिलती है अंदर, वाओ अंदर से कितना, मतलब चारकोल है तो ब्लैक कलर का, ग्रेइश कलर का दिख रहा है अंदर का टेक्सचर, जो कैप में भी बहुत सारा लगा हुआ है और अंदर से इस तरह का दिखता है। बहुत ही लाइट वेट है, वैसे तो ट्रैवल फ्रेंडली गिन सकते हैं, थोड़ा सा ये कांच का है तो प्रॉब्लम आ सकता है, अदरवाइज अच्छा है, आप कहीं पे भी इसको इजीली ले जा सकते हो। और मुझे बहुत पसंद आया ये। अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ फेस पे। गाइस सबसे पहले तो आपको अपना फेस जो है वो साबुन से या फेस वॉश से वॉश कर देना। मैंने भी फेस वॉश से वॉश कर दिया है, सारा जो मेकअप था वो रिमूव कर दिया है। आप देख सकते हो कैप में बहुत सारा प्रोडक्ट है, तो मैं कैप में से लेके ही लगा रही हूँ ताकि प्रोडक्ट भी वेस्ट ना हो, और मैं अपने हाथ से ही लगा रही हूँ। अगर आप कोई ब्रश का यूज़ करना चाहते हो तो उससे कम्फर्टेबल हो तो उससे भी लगा सकते हो, पूरे फेस पर लगा देना है, नेक पर भी लगाना है। गाइस अभी मैं दिखा रही हूँ इसीलिए नेक पर नहीं लगा रही हूँ। और उसके बाद 10 मिनट रखना है, ड्राई होने के बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर देना। आप देखो ड्राई हो गया थोड़ा सा है, तो फिर उसके बाद वॉश कर देना है। गाइस मैंने वॉश कर लिया है अपना फेस जो है, आप देख सकते हो, मैं पास दिखाती हूँ आपको, बहुत ही क्लीन लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, रिफ्रेशिंग फील हो रहा है, आप जैसे देख रहे हो वैसे ही देखो। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया है और मुझे बहुत पसंद आया है। इसके बाद थोड़ा सा लाइटली कोई भी फेस मास्क हम लगाते हैं ना, तो स्किन जो हमारी नॉर्मल स्किन होती है उससे थोड़ी ड्राई लगती है, तो उसके बाद ऑलवेज हमें मॉइस्चराइजर अप्लाई करना होता है। तो इसके बाद आप अपने फेस पर आप जो भी यूज़ करते हो वो मॉइस्चराइजर अप्लाई कर देना, अदरवाइज बहुत अच्छा है। मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, मेरी फर्स्ट इम्प्रेशन थी, मेरी तरफ से बिग थम्स अप है, मुझे अच्छा लगा एक्टिवेटेड चारकोल जो था वो। आपने अगर यूज़ किया है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है।
और आज का वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में गाइस, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।